इसके बाद उत्तरकालीन मुगल बादशाह अर्थात ये योग के शासक उतना नहीं थे जितना ये सभी योग है। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य या एक भारत के केंद्रीय सत्ता बहुत ही मजबूत थी। बाद के दिनों में 18वीं सदी यानी कि इसके बाद 1707 1701 से स्टार्ट होता है आपको 18वीं सदी। इसके बाद कई प्रांत अलग अलग बटने लगे इससे मुगल साम्राज्य थोड़ा सा आउट लगेगा लेकिन समझ में आएगा। फिर हुआ करता था बंगाल प्रांत तो मुगल सत्ता के अधीन जितने भी प्रांत थे उसमें समृद्ध प्रांत बंगाल हुआ। इसीलिए अंग्रेज किस पर पहले शासन व्यवस्था करता था बंगाल पर ही शासन करना शुरू किया तो समृद्ध में हुआ करता था बंगाल। इसके अलावा 18वीं सदी में मैसूर का विकास हुआ, हैदराबाद का विकास हुआ, फिर आपको अवध का विकास हुआ और फिर आपको कर्नाटक का विकास हुआ। तो इस तरह से अलग अलग राज्य जो है बंगाल प्रांत हुआ करता था। अब प्रांत धीरे धीरे मुगल सत्ता से बाहर होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, बंगाल का अलग शासक अब मुगल सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। इसके बारे में ही 18वीं सदी के प्रांत में हम लोग को पढ़ना है, बंगाल के प्रांत के बारे में, मैसूर के बारे में पढ़ना है, अवध के बारे में, हैदराबाद एजेंसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये आपको उत्तरकालीन मुगल बादशाह के समय विभाजित हो गए और अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना, बंगाल अलग राज्य, यहाँ का अलग शासक, मैसूर अलग राज्य, यहाँ का अलग शासक, हैदराबाद अलग राज्य, यहाँ का अलग शासक पहले हुआ करता था मुगलों के अधीन। पहले पढ़ना है बंगाल प्रांत एवं बंगाल प्रांत कंपनी का शासन। कुल मिलाकर के ये चक्कर का नाम है बंगाल प्रांत एवं ब्रिटिश प्रांत। तो बंगाल प्रांत में ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व या शासन। अब बात करते हैं बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत जो है एक बड़ा प्रांत हुआ और सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था। समृद्ध समझते है ना, धनी मनी प्रांत। आपको यदि मुगल के अधीन कोई धनी मनी प्रांत सबसे ज्यादा था तो ये बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत। अब ध्यान से देखिए बंगाल प्रांत शुरुआती दौर में यहाँ का आपको सूबेदार और आपको नवाब सूबे